हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आईलाइनर मैं अपने क्लाइंट को कैसे लगाती हूँ, कैसे उनको मस्कारा लगाती हूँ। तो चलिए, मैंने अपना ये ब्रश ले लिया, ये मेरा प्रोफेशनल ब्रश है, ये सिर्फ लाइनर लगाने के ही काम में मैं लेती हूँ इसको। तो हम लाइनर इस ब्रश के अंदर ले लेंगे, अच्छे से इसको कर लेंगे सेट। उसके बाद हम एक पतली सी लाइन क्रिएट करेंगे। आप ब्रश चलाने का तरीका मेरा देख सकते हैं, मेरा ब्रश एकदम स्ट्रेट है। ज़रा सा भी ब्रश आपने लिटाने की कोशिश करी या थोड़ा सा बैठा के चलाने की कोशिश करी तो आपका लाइनर वहीं ख़राब हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ध्यान रखें कि आपका ब्रश बिल्कुल सीधा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आपको उसे ब्रश की टिप्स को यूज़ करना है, उससे एक पतली लाइन क्रिएट होगी। और पहले पतली लाइन लगा के आप अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, अगर आप वो ओके कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर एक लाइन मोटी और करनी है तो कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही मोटा लाइनर लगा देंगे और बाद में क्लाइंट उसको पतला करवाएंगे तो आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। आपका आई लाइनर को साफ़ करने में आपका आई शेडो बिगड़ सकता है। तो पहले पतली लाइन लगाएंगे। ये देखिए मैं कितनी पतली लाइन लगा रही हूँ और मेरा ब्रश एकदम स्ट्रेट है, बिल्कुल भी लेटा नहीं है, बैठा नहीं है। ज़रा सा भी मैं अगर ब्रश लेटाती हूँ या बैठा के चलाने की कोशिश करती हूँ तो ये ख़राब हो सकता है पूरा आईलाइनर मेरा। मुझे फिर मिटा के इनको दोबारा से लगाना पड़ेगा, जिससे कि मेरा आई शेडो भी उतर सकता है। मैं इसके कॉर्नर बना दूँगी। कॉर्नर बनाने से थोड़ी सी आईज हमारी बड़ी लगती है। तो हमारे क्लाइंट की चॉइस है, आपकी चॉइस है। अगर आप अपने लगा रहे हैं तो आपने पॉइंट बनाने हैं कि नहीं बनाने। तो ये देखिए हम क्लाइंट को दिखा देंगे। तो क्लाइंट ने कर दिया है ओके कि ठीक है, इतना पतला ठीक है, मुझे वो ज़्यादा मोटा इनको नहीं चाहिए। तो हम एक फिनिशिंग के लिए एक मोटी लेयर और मार देंगे ताकि हमारा लाइनर एकदम प्रोमिनेंट नज़र आएगा। तो दोनों आइस पे मैंने मार दिया ब्रश अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा एकदम फाइन एक लाइन तैयार हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छे फिनिशिंग से आया है। अब आती है मस्कारे की बारी। मस्कारा लगाने का सही तरीका ये, हम एक हाथ से आईब्रोज को उठा लेंगे और हम उल्टी साइड से कॉम चलानी शुरू करेंगे इसकी, ताकि हमारा मेकअप करते वक्त जो भी हमारा इस पर पाउडर गिरा है, बेस लगी है, वो जो है मस्कारे से कवर हो जाए, मस्कारे से उतर जाए। ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ मैं ब्रश चला रही हूँ। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ करूँगी इनको आईलैशेस को, ताकि हमारा जो पाउडर लगा है सारे बालों में से जो है उतर जाए। तो हम नीचे के बालों में भी इसको मस्कारे को देंगे, नीचे की भी आई लैशेज हमारी अच्छी लगती है मस्कारा लगा के। तो मैंने नीचे भी लगा दिया, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से आएगा। अब इस तरीके से पेशेंस के साथ अगर लगाएंगे तो मेकअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कांपने नहीं चाहिए हमारे हाथ, नहीं तो हमारा सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो आती है काजल की बारी। काजल में डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि काजल की स्टिक अगर आपकी बहुत मोटी है तो आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, उससे क्या होगा आँखों में पानी आने का डर है, पानी आ सकता है आँखों में। तो मैंने उसी ब्रश को उल्टा करके उसी में काजल ले लिया है, उसी से एक पतली सी लाइन मैंने इनको लगा दी है काजल की। तो ये सही तरीका है बिल्कुल, अगर आपका काजल बहुत ज़्यादा मोटा है तो आप डायरेक्ट नहीं मारेंगे उसको आँखों में। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।